हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अनदर वीडियो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि हम लोग गॉलि कॉम्प्लेक्स से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के वो उस तक कैसे पहुंचते हैं तो लाइसोसोम आपको उससे पता ही होगा इसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं जनरली ये आपके इंटरसेलुलर डाइजेशन या सेल के अंदर जो भी चीज़ एंडोसाइटोसिस के थ्रू आती हैं सॉलिड चीज़ें उनको डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि लाइसोसोम जो है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिच होता है यहाँ पे कुछ मैंने जैसे एंजाइम मेंशन करे हुए हैं प्रोटीएसेस, ग्लाइकोसाइडिज लाइपस न्यूक्लियसिस तो ऑलमोस्ट जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए सारे जो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट फोर्टी टाइप के डिफ्रेंट हाइड्रोलेटिक एंजम जो है लेसोसोम के अंदर प्रजेंट रहते हैं नीयर बाई जो उसका पी एच रहता है वो आपका एसडिक रहता है फ़ोर टू फाइव पी एच के आसपास इसके अंदर का पी एच रहेगा तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे आपका ट्रांसगोलजी नेटवर्क जो होता है जहाँ से सिकटरी वेकल्स निकलते हैं वो आपका पहले एक लेट एंडोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं लेट एंडोसोम्स जो होगा उसमें हाइड्रोलैटिक एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में नहीं होते लेकिन आ जाते हैं और जैसे ही वो एंजाइम एक पर्टिकुलर एसिडिक पीएच में पहुंचते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं तो वो लेट एंडोसोम से लेसोम में कन्वर्ट हो जाता है तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि कैसे आपका ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ईआर से होते हुए गोलजी नेटवर्क तक आते हैं और कैसे उसे गोलजी जो है लाइसोसोम तक ट्रांसपोर्ट करता है तो जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी एंजाइम जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही सिंथेसाइज़्ड होते हैं जनरली Uh, जो एंजाइम्स हैं वो दो तरह के होंगे या कह लीजिए प्रोटीन दो तरह के होंगे एक वो होते हैं जो फ्री राइबोसोम्स के थ्रू बनते हैं और दूसरे वो होते हैं जो बाउंडेड राइबोसोम्स के थ्रू बनते हैं तो बाउंडेड राइबोसोम्स मीन जो रफ एंडोप्लाजमी रेटिकुलम को सिंथेसाइज करेंगे और देन uh, फिर एंडोप्लाजमी रेटिकुलम उसे गोल्जी नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट करता है जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने सारे एंजाइम जो है साइटोसोल में या फिर सेल uh, के बाहर जो है रिलीज़ कर देते हैं तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक राउंडेड सर्कल दिखाई दे रहा होगा तो ये हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने वाला प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है और इसमें जो सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का एक सर्कल दिखाई दे रहा है वो आपका शुगर होती है जो आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन इस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के ऊपर आके ऐड हो जाती है उसके बाद जब ये सिस वाले पार्ट पे आ जाता है जिसको हम सी जी एन बोलते हैं यानी कि सिस कॉल नेटवर्क उस वाले पार्ट पे आता है तो वहाँ पे आके इस पर एक फॉस्पेड ग्रुप आके बाइंड हो जाता है उसके बाद ये मिडिल गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हुए आपका ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क तक पहुंच जाता है जहाँ पे इस पर जो एम सिक्स पी वाला यानी कि आप कह सकते हैं मैनोसिक्स फॉस्फेट को कैच करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एम सिक्स पी रिसेप्टर वो रिसेप्टर जहाँ पे शुगर बाइंड रहेगी क्योंकि ये प्रिकर्सर जो है वो एक प्रोटीन है तो उसके ऊपर ये शुगर मॉलिक्यूल लगाए गए हैं आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्पेड ग्रुप भी लगाया गया है क्योंकि विदाउट फॉस्फोराइलेशन वो आपका क्या है लाइसोसोम तक रेड आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं जैसे ही उस प्रिकर्सर पर दोनों चीज़ें आके बाइंड हो जाती है यानी कि शुगर भी और आपका फॉस्पिट ग्रुप भी देन ये जो रिसेप्टर होता है ये इसको uh, यहाँ पे अपने ऊपर बाइंड कर लेता है इस एम सिक्स पी रिसेप्टर के बाइंड करते ही इसके ऊपर जो आ जाएगी वो है आपकी क्लेथरीन कोट तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से क्लेथरीन जो है इसको फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है तो जो रिसेप्टर होता है वो फिर आपका एक बर्डिंग के फॉर्म में यहाँ से पहले बनेगा और फिर देन वेसल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और फिर आपका जो लेट एंडोसोम्स है उसकी मेम्ब्रेन पे जाके मर्ज हो जाएगा तो लेट एंडोसोम मैंने आपको बताया था जहाँ पे अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो जैसे ये रिसेप्टर इसके अंदर पहुँचता है तो आपका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर लगे हुए मैनोज और फॉस्पिट ग्रुप है वो उसके अंदर पहुँच जाएंगे और उसके एसिडिक पीएच की वजह से यहाँ पे जो है जो रिसेप्टर है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा इसके मॉलिक्यूल से आफ्टर डिसोसिएशन जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो आपका कह लीजिए कि फ्री रिसेप्टर मॉलिक्यूल है एम सिक्स पी का वो वापस आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंच जाएगा और अपनी रिसाइकलिंग कर देगा ताकि जो दूसरे मॉलिक दूसरे एंजाइम्स आ रहे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ रहे हैं या दूसरी जो प्रोटीन्स आ रही हैं उनको वो दोबारा से इस पाथवे में लेके आ सके और जो आपका इसमें शुगर और फॉस्पेट ग्रुप है उनमें से जो फॉस्पेट ग्रुप है वो रिमूव आउट हो जाएगा इसकी दो वजह होती है अगर ये फॉस्पेट ग्रुप रिमूव नहीं होगा तो दोबारा से जो आपका फॉस्पेट ग्रुप है ये सॉरी एम जो रिसेप्टर है वो दोबारा से इसको पकड़ लेगा अपने ऊपर और इसको फिर से गोलजिक नेटवर्क तक ट्रांसपोर्ट कर देगा तो वापस जो ये आपके रिसेप्टर मॉलिक्यूल जा रहे हैं उसमें दोबारा से यह एंजाइम वापस रीपैक ना हो जाए उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव आउट हो जाता है दूसरा इसके रिमूव होते ही जो आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में जो है आ जाएंगे तो इस पाथवे को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एम सिक्स फॉस्फेट पाथवे भी है जिसके थ्रू जो गोल्जी से लाइसोसोम तक प्रोटीन ट्रांसफ़र होती है देन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है और जो एम सिक्स पी है उसमें कैसे ये स्ट्रक्चर ब्रॉडली दिखाई देता है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और जो एन फॉस्फेट ग्रुप है ये आ रहा है आपका इस मैनोस प्रिकर्सर के ऊपर ये आपका हाइड्रोलाइटिक प्रिकर्सर के ऊपर लगने के लिए तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यूडीपी यानी कि डाई के फॉर्म में है और उसके एंड पे जो रहता है वो आपका एनएसटाइल ग्लूकोसामीन का मॉलिक्यूल रहेगा और जैसे ही तुम्हारा ये मेनोज कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल है वो इससे रिएक्ट करता है तो दोनों जो है यहाँ पे आपस में दो फौस, एक फॉस्पेट ग्रुप के थ्रू लिंकेज कर जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा एनासिटैर ग्लूकोसाम और आपका मेनोज शुगर इनके बीच में फॉस्पेट ग्रुप आ जाएगा और इन दोनों के थ्रू ये जो आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो आपका कैटेलिटिक साइट पे यानी कि जो एंजाइम है इसका वहाँ पे आपका फॉस्फोड ट्रांसफर एंजाइम जो है उसके सरफेस पे आके बाइंड हो जाएगा फॉस्टफोड ट्रांसफर एंजाइम बेसिकली फॉस्फिड ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है जो मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था कि पहले मैनो शुगर लगा हुआ एंड देन फॉस्फिड ग्रुप लगा हुआ है तो उसी मेकेनिज्म को यहां पर शो किया हुआ है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ब्रॉडली देखते हैं तो ये आपका जैसे हाइड्रोलैटिक एंजाइम uh, जो है लाइसोसोम का उसका जो प्रिकर्स मॉलिक्यूल है ये उस पर लगी हुई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और ये उस पे लगी होती है मैनो शुगर तो अगर आप ये देखें तो ये मैनो शुगर जो है इसमें 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और ये स्ट्रक्चर मैनो शुगर का है तो उसका इसलिए उसको हम बोलते हैं एम6पी शॉर्ट में या फिर मैनो 6 फास्फेट और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होगा तो ये फॉर्म जो है फर्दर आपका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ चली जाएगी जहाँ पे इसका जो रिसेप्टर होता है एम सिक्स पी रिसेप्टर वो उसे कैच कर लेगा तो ये हमारा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था कि कैसे आपके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है लाइसोसोम के लिए वो गोल्जी नेटवर्क से होते हुए आपका लाइसोसोम तक पहुँचते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच